नमस्ते मोदी जी, मैं निधि बहुगुणा बोल रही हूँ, मसूरी उत्तराखंड से। मैं दो युवा बच्चों की माँ हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि इस उम्र के बच्चे यह पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें क्या करना है, चाहे वे टीचर्स हों या वे उनके माता पिता हों। पर जब आपकी मन की बात होती है और आप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वह दिल से समझते हैं और उस बात को करते भी हैं। तो आप हमसे इस सीक्रेट को शेयर करेंगे क्या? क्या जिस तरह से आप बोलते हैं या जो आप इशू उठाते हैं कि वे बच्चे अच्छी तरह समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं? धन्यवाद। निधि जी, आपके फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं कहूँ तो मेरे पास तो कोई सीक्रेट नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो सब परिवारों में भी होता भी होगा। सरल भाषा में कहूँ तो मैं अपने आप को उस युवा के अंदर ढाल लेने का प्रयास करता हूँ। खुद को उसकी परिस्थितियों में रखकर उसके विचारों के साथ एक सामंजस्य बैठाने, एक वेवलेंथ मैच करने की कोशिश करता हूँ। हमारे खुद के जिंदगी के वो पुराने बैगेजेज हैं, जब वो बीच में नहीं आते हैं तो किसी को समझना आसान हो जाता है। कभी कभी हमारे पूर्वग्रह ही संवाद के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं। स्वीकार अस्वीकार और प्रतिक्रियाओं के बजाय किसी की बात को समझना मेरी प्राथमिकता रहती है। मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे में सामने वाला भी हमें कन्विंस करने के लिए भांति भांति के तर्क या दबाव बनाने के बजाय हमारी वेवलेंथ पर आने का प्रयास करता है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। फिर एक प्रकार से उस विचार के साथ हम दोनों सहयात्री बन जाते हैं। दोनों में से पता ही नहीं चलता है कि कब और कैसे एक ने अपना विचार छोड़कर दूसरे का स्वीकार कर लिया है, ओन कर लिया है। आज के युवाओं की यही खूबी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिस पर स्वयं उन्हें विश्वास नहीं हो, और जब वो किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे लग जाते हैं। अक्सर लोग परिवारों में बड़ों और टीनेजर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप की चर्चा करते हैं। दरअसल अधिकतर परिवारों में टीनेजर से बातचीत का दायरा बड़ा सीमित होता है। अधिकतर समय पढ़ाई की बातें या फिर आदतों और फिर लाइफस्टाइल को लेकर ऐसा कर ऐसा मत कर बिना किसी अपेक्षा के खुले मन से बातें धीरे धीरे परिवार में भी बहुत कम होती जा रही है, और ये भी चिंता का विषय है। एक्सपेक्ट की बजाय एक्सेप्ट और डिसमिस करने की बजाय डिस्कस करने से संवाद प्रभावी बनेगा। अलग अलग कार्यक्रमों या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत करने का मेरा प्रयास रहता है। वे जो कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उससे सीखने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। उनके पास हमेशा आइडियाज का भंडार होता है। वे अत्यधिक एनर्जेटिक, इनोवेटिव और फोकस होते हैं। मन की बात के माध्यम से मैं युवाओं के प्रयासों को, उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा साझा करने का प्रयास करता हूँ। अक्सर शिकायत होती है कि युवा बहुत ही अधिक सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ कि यह अच्छा है कि नौजवान सवाल करते हैं। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि वे सभी चीजों की जड़ से छानबीन करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं में धैर्य नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यही वो चीज है जो आज के नौजवानों को अधिक इनोवेटिव बनने में मदद करती है, क्योंकि वे चीजों को तेजी से करना चाहते हैं। हमें लगता है आज के युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। अच्छा है बड़े सपने देखें और बड़ी सफलताओं को हासिल करें। आखिर यही तो न्यू इंडिया है। कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी एक ही समय में कई चीजें करना चाहती है। मैं कहता हूं इसमें बुराई क्या है? वे मल्टीटास्किंग में पारंगत है इसलिए ऐसा करते हैं। अगर हम आसपास नजर दौड़ाएं तो वो चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर अन्य क्षेत्र,
समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले युवा ही हैं। वे युवा जिन्होंने सवाल पूछने और बड़े सपने देखने का साहस दिखाया। अगर हम युवाओं के विचारों को धरातल पर उतारने और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए खुला वातावरण दें तो वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वे ऐसा कर भी रहे हैं।